नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है लेट्स डू योगा। और आपके साथ मैं हूँ वृक्षा। इस खास कार्यक्रम का मकसद यही है कि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिए, योग के जरिए कैसे रखें खुद को निरोग, यही है हमारा इस शो का मकसद। तो अलग अलग प्रॉब्लम्स पर बात करते हैं, उस पर योग आसन आपको बताते हैं। आज जिस पर हम बात करेंगे वो करेंगे गुड पोस्चर पर। गुड पोस्चर यानी कि बैठने का सही ढंग। मोस्टली जो है आज लोग डेस्क जॉब्स कर रहे हैं, ऑनलाइन जॉब्स कर रहे हैं, जिसके कारण उनका जो पोस्चर है वो ख़राब होता जा रहा है। काफ़ी आपने देखा होगा, अगर कोई चल रहा है, कोई वॉक कर रहा है, देन घुटने जो आपके कंधे हैं वो आगे की ओर झुके हुए हैं या आपकी जो कमर झुकी हुई है। लेकिन एक इरेक्ट पोस्चर जो है काफ़ी मायने रखता है आपके, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो। एक इरेक्ट पोस्चर जो है एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है आप में भरता है। तो आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे गुड पोस्चर के ऊपर कि क्या आप योग आसन करें कि आपका जो पोस्चर है वो एक बढ़िया से हो। तो इसमें जो सबसे पहले हम करेंगे वो करेंगे प्लैंक पोज। प्लैंक पोज करने के लिए सबसे पहले जो है आप पेट के बल लेट जाएं। अब यहाँ से आपको क्या करना है कि आपको अपने जो पैर है वो जमीन के साथ नहीं, अपनी जो बॉडी है उसको उठाना है, अपने हाथों को भी उठा लेना है और पूरा स्ट्रेच आउट करना है यू। रिलैक्स वापस और एक बार फिर से। वापस आ जाएंगे इन सुखासन। प्लैंक बहुत ही बढ़िया होता है हमारी मसल्स के लिए, तो अच्छा होता है। आर्म फैट में भी हमने प्लैंक पोज को किया था, साथ ही जो है पोस्चर को सुधारने के लिए भी प्लैंक बहुत बढ़िया होता है। नेक्स्ट हम जो करेंगे वो करेंगे गौमुख आसन। इसके लिए आपको क्या करना है, एक आपकी लेग इस तरह से, दूसरी आपकी उसके ऊपर यूं इस तरह से रेस्ट करेगी, इस तरह। ये पोजीशन हो गई टांगों की। अब बाजुओं को क्या करना है, एक आपकी जो बाजू है इस तरह ऊपर से पीछे जाएगी और दूसरी जो है नीचे की ओर, और दोनों को पीछे से इस तरह से ग्रिप करना है यूं। मैं पीछे से भी आपको दिखाऊंगी। पहले फर्स्ट जो फ्रंट पोजीशन है वो इस तरह रहेगी। आपको अपनी कमर जो है इस पूरे पोस्चर में सीधी रखनी है, ये। अब आप अपनी लेग चेंज करें और अपनी बाजुओं को भी पोजीशनिंग चेंज करें, इस तरह और इस तरह। अभी आपको पीछे से दिखाती हूँ कि पीछे से कैसे करना है, इस तरह से, और ये आपके हाथ इस तरह ग्रिप करेंगे और इस तरह। वापिस आ जाएंगे। सो दो हमने किए हैं अभी तक, प्लैंक पोज किया है और गौमुख आसन किया है। नेक्स्ट हम करने वाले हैं कैमल पोज। कैमल पोज को करने के लिए आपको पहले वज्रासन की पोजीशन में आना पड़ेगा, इस तरह से। वज्रासन में बैठने के बाद अब आपको अपने घुटनों को थोड़ा इस तरह उठा लेना है और इनमें गैप, इनमें थोड़ा डिस्टेंस, यू। अब आपको क्या करना है कि आपका जो राइट हाथ है उससे राइट लेग को पकड़ना है, लेफ्ट से लेफ्ट को पकड़ना है और पीछे की ओर झुक जाना है। तो पहले इस तरह इसको ग्रिप करें, इसे करें और इस तरह। यहाँ से आपको क्या करना है, राइट हाथ से अपने राइट लेग को पकड़ना है, लेफ्ट से आपको लेफ्ट लेग को पकड़ना है और पीछे की ओर झुक जाना है। वन मोर टाइम करेंगे। रिलैक्स, आप वापिस आ जाएं इन सुखासन। अब जो लास्ट हम करने वाले हैं वो करेंगे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग फॉरवर्ड। इसको भी हमने काफ़ी जो है आसन में किया है। इसके लिए आपको जो है पहले आप वैरियर पोज की पोजीशन में आ जाएं, इस तरह। अब सॉरी, सबसे पहले आप इस तरह हो जाएं, अपने हाथ यूं, और अब अपनी जो दोनों टांगे हैं इनको ऊपर को उठा लें, इस तरह, और ये पोजीशन रहेगी।
ट्रायंगल टाइप जो है आपको आकार बनाना है। रिलैक्स और एक बार फिर से रिपीट करेंगे। रिलैक्स, वापस आ जाए। सो अगर आपको भी पोस्चर जो है अपना सुधारना है, इरेक्ट करना है, देन आप इन चार आसन को कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले जो था वो था प्लैंक पोज, सेकेंड हमने किया गौमुख आसन, थर्ड हमने किया कैमल पोज और लास्ट है डाउनवर्ड फेसिंग डॉग फॉरवर्ड बेंड। तो ये चार आसन आप कर सकते हैं अगर आप एक बढ़िया पोस्चर चाहते हैं, अपनी बॉडी की पोजिशनिंग पोस्चर जो है सुधारना चाहते हैं। बट एट दी एंड अगर आपको कोई भी समस्या आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम है, देन आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना चाहिए। डॉक्टर से परामर्श के बाद ही आप किसी भी फॉलोअप को अपने रेगुलर लाइफ में शामिल करें। तो आज का ये एपिसोड था गुड पोस्चर पर। आप किस प्रॉब्लम पर चाहते हैं हम बात करें, उसके लिए वीडियो लेकर आएँ, आप हमें कमेंट्स के जरिए बता सकते हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।